हमने क्लाइमेट तकरीबन ख़त्म कर दिया है, लेकिन कुछ बहुत ही बुनियादी सवाल हैं जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं, मैं वो नहीं बताऊंगा, लेकिन उस प्रकृति के जितने भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं उस पर मैं चर्चा ज़रूर करूँगा, ताकि आप अपने सोच से समझ से इस तरह के प्रश्नों के उत्तर दे पाएँ। ये बहुत ज़रूरी है। वन बाय वन हम इस तरह के कंसेप्ट्स को क्लियर करते चले जाएंगे और इस टॉपिक को हम ब्यूटिफिकेशन ऑफ द मानसून या फिर डिटेलिंग और या फिर पॉलिशिंग ऑफ द मानसून का नाम भी दे सकते हैं। जितना भी हमने अब तक काम किया उसको पूर्ण रूप से अब डिमार्केशन इस लेक्चर में दे दी जाएगी। जितने भी अब तक के कुछ कुछ डाउट भी माइंड में हैं इस लेक्चर के बाद ख़त्म हो जाएंगे। चलिए मैं शुरुआत ही मानसून की रेन के कंसेप्ट से करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक वर्ड दे देता हूँ, मानसून में जो रेन आती है वो रेन स्पेल्स में आती है, स्पेल्स। तो आपको यही क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि मानसूनल रेन कैसे आती है, स्पेल्स में। और स्पेल कैसे होता है, आपने क्रिकेट देखा होगा, क्रिकेट में यूं ओवर तो 50 होते हैं और हर ओवर की वनडे इंटरनेशनल में 6-6 बॉल्स होती हैं। तो आपने 12 बॉलें की हैं टोटल, यानी कि मान लीजिए 12 सेंटीमीटर बरसात हुई है, क्लियर कट। लेकिन आपने एक ही बार में नहीं किया, आपने दो स्पेल्स में की। पहला स्पेल जब आपने डाला उसमें आपने दो ओवर डाले, फिर जब दूसरा स्पेल आपने डाला उसमें आपने दो ओवर डाले, तो टोटल 4 ओवर हो गए और 12 चौके 48 सेंटीमीटर रेनफॉल हो गई। तो कंटिन्यूटी में नहीं होती है, 6-6 बॉल्स के एक एक ओवर बनता है और दो दो ओवर के स्पेल्स बनते चले जाते हैं। इसी तरह से मानसून भी आता है। मानसून जब आपके देश में आता है तो वो लगातार कुछ दिन होता है, फिर रुक जाता है, फिर वापस कुछ दिन बरसात होती है, फिर रुक जाता है, फिर बरसात होती है, फिर रुक जाता है। इससे क्लियर होता है कि मानसून स्पेल मैनर में होता है, उसके स्पेल्स आते हैं, मानसूनल स्पेल्स कहते हैं उनको। इन स्पेल्स के बीच में जो आ जाती हैं, एक स्पेल से दूसरे स्पेल के बीच में जो आ जाती है, अगर वो 1 वीक या उससे एक्सटेंडेड हो जाए तो उसे ब्रेक कहते हैं, मानसून की ब्रेक। तो चलिए इनके कारण समझा देते हैं। सबसे पहला, मानसून स्पेल्स में तो तभी आएगा अगर मानसून की रेनफॉल साइक्लोनिक है। अगर आपको रीज़न एंड अजर्शन का क्वेश्चन आ जाए या कभी भी ऐसा पूछा जाए कि मानसून का रेनफॉल कैसा है, तो रेनफॉल टोरेंशियल है, एकदम तेज़ी से हो जाता है कम समय में। लेकिन रेन बियरिंग सिस्टम क्या है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल ब्रांच आपके भारत तक जो वर्षा लेकर के आ रही हैं वो रेन बियरिंग सिस्टम क्या है, इट इज़ साइक्लोनिक सिस्टम। तो साइक्लोन एक बन करके जब बरसात आएगी तो इसके नेक्स्ट साइकिल फॉर्मेशन के बीच में कुछ समय रहता है। तो हमारे देश में किस ना और कैसा ब्रेक होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि साइक्लोन कितनी फ्रीक्वेंटली बन रहे हैं, दूसरा साइक्लोन कितनी इंटेंसिटी से आ रहे हैं, और साइक्लोन ने इंडियन लैंडमार्क को कब कब हिट किया है, साइक्लोन ने पैसेज और पाथ कौन सा फॉलो किया है। जैसे आप जो मूवी देखते हैं वो कुछ भी नहीं है, जस्ट जितने भी स्टिल फ्रेम हैं उनकी मोशन पिक्चर है। आप इतनी तेज़ी से मोशन करते हैं कि आपकी आई के इल्यूजन के कब पूरे होने से पहले ही दूसरा फ्रेम आता है, फिर तीसरा फ्रेम आता है, और वो आपको एक चल चरित्र के तौर पे, एक मूवी के तौर पे देखते हैं, तो मूवी को चल चरित्र भी कहते हैं। इसी तरह से अगर इस फ्रीक्वेंसी के साथ साइक्लोन फॉर्मेशन एंड साइक्लोन के आपके देश में आना हो जाए तो फिर अल्टीमेटली आपको रेन पूरे मानसून में कंटिन्यूसली मिलती है, तो आपको ये फीलिंग ही नहीं आ पाती कि यह साइक्लोनिक रेन है, क्योंकि फॉर्मेशन ही बहुत क्विक हो रही है, उसकी हिटिंग टू द लैंड बहुत क्विक हो रही है और इंटेंसिटी भी काफ़ी हाई है, तो कंटिन्यूटी में होता है। लेकिन जब भी फॉर्मेशन में, हिटिंग में, इंटेंसिटी में डिफरेंस आते हैं, कम होता है या बढ़ता है, तो हमें स्पेल्स महसूस होने लग जाते हैं, हमें साइक्लोनिक कैरेक्टर ऑफ द रेन पता लगने लग जाता है। तो इस बात पर तय होता है कि जो मानसून है ये साइक्लोनिक रेनफॉल होती है, क्योंकि स्पेल्स की फॉर्म में आता है। दूसरा एस्पेक्ट, सपोज कीजिए भारत के क्षेत्र में आप हैं और भारत के इस क्षेत्र में, इस पर्टिकुलर जगह में, उड़ीसा में, आपको मानसून के इन्हीं साइक्लोनिक स्पेल्स के थ्रू रेनफॉल मिल रही है, लेकिन पैसेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सपोज कीजिए
उड़ीसा के किसी इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको इन साइक्लोन से रेनफॉल मिल रहा है। और साइक्लोन्स पाथ कौन सा फॉलो करते हैं? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का। इन्हें ये एक ऐसी रेलगाड़ी है जिसे दौड़ने के लिए एक पटरी की ज़रूरत है। पटरी का काम कौन करती है? ITCZ। और ये ITCZ नाम की पटरी की तरफ ही और उस पटरी पे ही दौड़ने का काम करते हैं। तो कुल मिलाकर के इनको किसी भी तरह से उस पटरी के पास और उस पटरी पे ही चलना है। तो इसी प्रोसेस के तहत अगर ITCZ की पोजीशन चेंज होती रहती है तो जिस पर्टिकुलर स्पॉट पे पहले रेनफॉल हो रहा था अब उस पर्टिकुलर स्पॉट पे रेनफॉल नहीं होगा, क्योंकि ITCZ बहुत फ्रीक्वेंटली अपनी पोजीशन चेंज करती है, क्योंकि वो एक इंड्यूस्ड बेल्ट है, इंड्यूस्ड बाय सो मेनी डिफरेंट फैक्टर्स जो मैं अभी समझाऊंगा। तो कुल मिलाकर के ITCZ की इस पोजीशन चेंज होने की वजह से साइक्लोन्स का पाथ भी चेंज होता है। और इसकी वजह से क्योंकि रेनफॉल मानसून की साइक्लोनिक है तो जिस जगह पे अब वो साइक्लोन हिट नहीं कर रहे वहाँ पे आपको ब्रेक महसूस हो जाएगी कि अब हमारे यहाँ पे मानसून का ब्रेक आ रखा है, जबकि भारत पूरे में मानसून तो कभी ब्रेक होगा नहीं। किसी भी एक पर्टिकुलर बड़े ज्योग्राफिकल लैंड पे अब रेनफॉल नहीं है, लेकिन हो सकता है गंगा के मैदान में नहीं है तो हिमालय के फुट हिल्स पे या हिमालय के सरफेस पे हो रही है। हो सकता है हिमालय और गंगा के फुट हिल्स गंगा के मैदानों में कहीं भी नहीं है, पेनिनसुलर के अपर रीजन में कहीं हो रही है। तो पूरे के पूरे उन चार महीनों में भारत में रोज़ अगर आप वेदर रिपोर्ट देखें तो कहीं तो मानसूनल रेनफॉल हो रही है, आप ही की जगह पे नहीं हो रही है, आपके लिए वह ब्रेक हो जाता है। तो कुल मिलाकर के इस तरह से मानसून ब्रेक आती है जब पाथ बदलते हैं। तो ये सारे ऑप्शन पता होने चाहिए। अगर ऑप्शन आ जाए कि मानसून ब्रेक के लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन, हिटिंग उनकी, इंटेंसिटी उनकी, प्रोग्रेस एंड पाथ ऑफ द साइक्लोन, इस तरह से UPSC करेक्टर का क्वेश्चन आता है, इतना शैलो क्वेश्चन नहीं आएगा। तो कभी वहाँ पे फंसना मत, ब्रॉडर नॉलेज का यूज़ करना। अगला इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट हम नोटिस करते हैं कि ये ब्रेक्स क्यों आती है। तो ब्रेक्स के कारण अब हम पता लगाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला ब्रेक का जो एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो रीज़न ये हो जाता है कि ITCZ अपनी पोजीशन को शिफ्ट करती है। ITCZ की पोजीशन चेंज होती है। जैसे जब हमने बात की थी कि लगभग जून के मिड या जून के लास्ट सीजन के लास्ट वीक्स के दौरान अगर आप भारत के नक्शे की बात करेंगे तो ITCZ कहीं कंसंट्रेटेड रहती है गंगा के मैदान के जोन में, और भारत में बहुत ही अच्छे पैमाने पर वर्षा हो रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन कई बार कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं कि ये ITCZ की पोजीशन फर्दर नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाती है, ये हिमालय और हिमालय के पार भी चली जाती है। ऐसी परिस्थितियों में जो वर्षा है वो गंगा के मैदानों में और बाकी भारत में ना हो करके भारत में वर्षा अगर टोपोग्राफिकल ऑब्स्ट्रक्शंस रास्ते में आ रही हैं तो साउथ वेस्ट से आने वाली हवाएं तो वर्षा कर ही देंगी, लेकिन जो ITCZ के प्रभाव की वजह से वहां पर वर्षा हो रही है वो बड़े पैमाने पर रुक जाएगी और वह वर्षा ITCZ को ही फॉलो करते हुए अब हिमालय के इलाकों पर होने लगेगी, जबकि आपके मेन रीजन में वर्षा नहीं हो रही पर नदियों में पानी बहुत है। तो ITCZ का शिफ्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। ITCZ की शिफ्टिंग के रीज़न कौन से हो सकते हैं? दो रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। सबसे पहला रीज़न माना जाता है कि जो थर्मल हीटिंग है उसका इम्पैक्ट चेंज हो गया है। थर्मल हीटिंग का इम्पैक्ट किस तरह से चेंज हो गया है? एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसका ये हो सकता है कि वो जो तिब्बतन प्लेच्यू होता था वो तिब्बतन प्लेच्यू पे उस लेवल पर उतनी स्नो मेल्ट नहीं हुई और उतना वो लैंडमास हीट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वहाँ पर थर्मल कन्वेक्टिव सेल जो क्रिएट हो रखे थे वो बहुत स्ट्रांगली क्रिएट हो रहे, हवाएं वहाँ से सतह से संपर्क में आ करके गर्म हो करके ऊपर उठ रही थी लेकिन सरफेस उतना हीटअप नहीं है, स्नो उतनी भी मेल्ट नहीं हुई जिसकी वजह से वो कन्वेक्टिव मैकेनिज्म काम कर सके। तो वो कन्वेक्टिव सेल मैकेनिज्म जब वीक पड़ता है तो अल्टीमेटली उस समय ITCZ नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाता है, और जब ITCZ नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाएगा तो इस थर्मल हीटिंग इम्पैक्ट की वजह से गंगा के मैदानों में वर्षा रुक जाएगी और ब्रेक पीरियड आ जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि गर्मी के समय में जब आपके यहाँ पे समर मानसून होता है मार्च अप्रैल मई जून के मंथ में, हिमालय के साउथर्न रीजन से वेस्टर्लीज गुजर रही होती हैं, अपर एयर ट्रोपोस्फीयर में वेस्टर्ली गुजर रही होती हैं, और इन वेस्टर्ली के गुजरने की पाथ की वजह से हिमालय जो हमारा गंगा का मैदान है, इस गंगा के मैदान के नर्दर्न एरियाज और गंगा के मैदान के अपर
आपको काफ़ी सारी अपर एयर एटमॉस्फेरिक एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस देखने को मिलती हैं, और उन एंटी साइक्लोनिक कंडीशन की वजह से ही बड़े पैमाने पर लैंड तो हीट अप हो रहा है लेकिन रेनफॉल नहीं हो पा रहा है। कन्वेक्टिव सेल मैकेनिज्म तो हो रहा है, मतलब ज़मीन से हवा गर्म होकर के ऊपर तो उड़ रही है लेकिन उसको उस लेवल पर ऊपर उठने की इजाज़त नहीं मिल रही है अपर एयर एटमॉस्फेरिक एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस की वजह से। इसकी वजह से ही अप्रैल मई जून बीत जाता है लेकिन रेनफॉल उस लेवल पर नहीं होती है। लेकिन सडन ऑनसेट ऑफ द मानसून या फिर बस्ट ऑफ द मानसून का एक रीज़न यह रहता है कि जैसे ही मानसून सीजन आएगा सन की नॉर्दर्न माइग्रेशन तो पहले से ही हो रही थी और सन उस समय तक अब प्रॉपर अपनी हीटिंग और अदर कंसेप्ट इस्टेब्लिश कर देगा, तो ऐसे में सारे के सारे ग्लोबल प्रेशर बेल्ट नॉर्दवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसे में ही जो वेस्टर्ली है उसकी फॉर्मेशन का आधार भी यही प्रेशर बेल्ट्स हैं, तो अपर एयर एटमॉस्फेरिक वेस्टर्ली भी हिमालय के नॉर्दवर्ड शिफ्ट हो जाती है और इसकी वजह से ही जो नीचे से उठ रहे ऊपर जाने वाले कन्वेक्टिव सेल्स हैं उनको प्रॉपर स्कोप मिल जाता है और ITCZ गंगा के मैदानों में सेटल हो पाती है। और ITCZ में ही दो साउथ ईस्ट जो इक्वेटर को क्रॉस करके साउथ वेस्ट हो गई और नॉर्थ ईस्ट से आने वाली हवाएं कन्वर्ज कर रही हैं और ऊपर उठ रही हैं, तो कुल मिला के ये साउथ वेस्ट से उतनी ही तेज़ हवा खींचेगा जितनी तेज़ी से ऊपर उठ रही है। तो ये पूरा का पूरा एक फैक्ट्री की तरह काम करता है मानसून। एक भी प्रोसेस इसमें हर्डल आ जाए या ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए सारा ही प्रोसेस पूरी लाइन से हार्म होता है। यानी कि आपने साउदर्न हेमिस्फीयर से इंडियन ओशन और पैसिफिक रीजन से जितनी भी साउथ ईस्ट विंड्स मंगवाई हैं इक्वेटर तक, उसका कारण ये था कि इंडियन ओशन के इक्वेटर के नॉर्दर्न रीजन में उस विंड की रिक्वायरमेंट थी। इंडियन ओशन के इक्वेटर के नॉर्दर्न रीजन में ग्लोब दे दीजिए उस विंड की रिक्वायरमेंट इसलिए थी क्योंकि ITCZ बना हुआ था एक पर्टिकुलर लोकेशन पे और ITCZ वहाँ पर बनने का आधार था कि वहाँ पर बड़े पैमाने पर सन की वर्टिकल हीटिंग की वजह से कन्वेक्टिव एयर मैकेनिज्म बना है। एयर गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठ रही हैं और जहाँ पर भी एयर गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठ रही हैं अब ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स इक्वेटर क्रॉस करके उस वैक्यूम को फिल करने के लिए साउथ वेस्टर्ली फॉर्म लेकर के वहाँ तक जाएंगी और जहाँ तक भी ये जाएंगी इन्हें रास्ते में एक विंड और मिलेगी जो नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, तो फिर वहाँ पर कन्वेक्टिव सेल का एक पूरा का पूरा बेल्ट और जोन इस्टेब्लिश होता है ITCZ। तो ITCZ जहाँ पर इस्टेब्लिश है वहाँ से बड़े पैमाने पर एयर अपलिफ्ट हो रही है, एयर कन्वेक्टिव मैकेनिज्म से ऊपर जा रही है। जितनी वो ऊपर जा रही है उतना ही वहाँ पर लो प्रेशर और वैक्यूम है, जितना वहाँ पर वैक्यूम है उतनी ही इंटेंसिटी से साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है, जितनी इंटेंसिटी से साउथ वेस्ट मानसून बन रहा है उतना ही उसको साउथ ईस्ट ट्रेड विंड की भी रिक्वायरमेंट है जिसे वो इक्वेटर के ऊपर तक खींच ले रहा है। तो कुल मिलाकर के भारत में सारा सिचुएशन तो क्रिएट हो जाता है सन के नॉर्दर्न माइग्रेशन से March 23 के बाद ही। अप्रैल भी आ गया ITCZ भारत पे आ गई, मई भी आ गया ITCZ भारत में आ गई, जून भी आ गया ITCZ भारत में आ गई, लेकिन ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जिसमें दो साउथ ईस्ट जो इक्वेटर पास करके साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, तो साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट का टकराव होकर ऊपर उठ रहा है लेकिन ऊपर अभी भी कुछ ऐसा है जो उसे पूर्ण रूप से उठने नहीं दे रहा है। तो अगर उसे पूर्ण रूप से उठाना है तभी उसमें इतनी ताकत होगी कि वो इक्वेटर से नीचे वाली साउथ ईस्ट ट्रेड विंड को भी अब अपने साथ खींचेगी पूरी तेजी से और एक कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ द मानसून क्रिएट होगा। और इसीलिए जून के मंथ की 1 तारीख को प्रॉपर मान लिया जाता है कि ऑनसेट ऑफ द मानसून हो गया है। ऑनसेट ऑफ द मानसून का कंसेप्ट क्लियर है, यह ऑनसेट ऑफ द मानसून है। आप देखिए ना अप्रैल में भी तो ITCZ इंडिया पे आ गई थी वर्षा नहीं हुई, मई में भी तो ITCZ आ गई थी वर्षा नहीं हुई, जून के भी शुरुआती दिनों में 1 जून के अराउंड वर्षा होने का कारण कि भारत से अपर एयर ट्रोपोस्फेरिक जेट वेस्टर्ली स्ट्रीम अब विड्रॉ कर चुकी है और वह तिब्बतन प्लेचू के हिमालय के नॉर्दर्न चली गई है। अब वह कन्वेक्टिव सेल बेल्ट यानी कि इंट्राट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन फुली वर्किंग है, तो अब वो हर किसी जगह से अपनी सप्लाई की आपूर्ति को पूरा करेगी, तो जो टूटे हुए लिंक थे उन्हें पूरा जोड़ देगी। तो अब साउथ वेस्ट मानसून साउथ वेस्ट विंड्स पूरी तरह से इक्वेटर से नीचे वाली साउथ ईस्ट को अपनी मुख्य धारा में ले लेंगी और एक कंटिन्यूस चेन इस्टेब्लिश हो जाएगा, मानसून टाइप द मानसून हो जाएगा। तो
तो ITC Z का गंगा के मैदान में सेटल होना बड़ी बात, उसको सेटल कराने की जिम्मेवारी हो रही है, वहाँ से ड्रिफ्ट कर चुकी अपर एयर वेस्टर्ली का। अगर वो ड्रिफ्ट ना करती जितना मर्जी लैंड इंटेंस कर लो, ये यहाँ पे सेटल तो होती लेकिन साउथ ईस्ट ट्रेड विंड को मुख्य धारा में ना ला पाती और मानसून का ऑनसेट नहीं हो पाना था। ये लोकल कन्वेक्टिव मैकेनिज्म वाली रेनफॉल ही बन के रह जाती, ये मानसूनल रेनफॉल बन के ना रह पाती जो कि 4 महीने तक चलेगी। अदरवाइज लोकल फेनोमेना से साउथ इंडिया में तो सारा साल बरसात होती है, वो तो कन्वेक्टिव मैकेनिज्म होता है। लेकिन ये कन्वेक्टिव मैकेनिज्म तो है बट नॉट लोकल, वर्ल्ड लेवल पर ग्लोब की 2 परमानेंट और 2 प्लेनेटरी विंड को इंड्यूस करके बनने वाला कन्वेक्टिव मैकेनिज्म है, एक साउथ ईस्ट ट्रेड विंड और एक नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। इसमें नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड तो मिल चुकी थी, साउथ वेस्ट वाली हवाएं भी मिल ही गई हैं जो ये खींच रहा है, किसकी वजह से? डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड ओशियन। तो अरेबियन सी से हवाएं तो जानी ही है इंडिया की तरफ, लेकिन इसमें दूसरी मेजर स्टेक होल्डर साउथ ईस्ट ट्रेड विंड को इंडल्ज करने का प्रोसेस तब एक्टिव हो जाता है प्रॉपरली जब इंडिया के लैंडमास की हीटिंग होने की वजह से अपर उठ रहे कन्वेक्टिव मैकेनिज्म को पूरी तरह से इंटेंस और एक्टिव होने का मौका दे देती है ड्रिफ्टिंग ऑफ द अपर एयर ट्रोपोस्फेरिक जेट वेस्टर्ली स्ट्रीम्स। तो इसकी वजह से अगर कहीं गलती से वह अपर एयर जेट वेस्टर्ली फिर से हिमालय के साउथवर्ड आ जाए तो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन वहां पर थोड़ा सा इनएफेक्टिव और इनएफिशिएंट हो जाता है, तो इसकी वजह से भी आपके ब्रेक स्पेल्स आते हैं। तो अपर एयर जेट वेस्टर्ली की ड्रिफ्टिंग से ITCZ के इंटेंसिटी और इफेक्टिवनेस पे असर पड़ता है। ITCZ ड्रिफ्ट होती है और उसके ड्रिफ्ट होने का आधार ही क्या रहता है, उसके डिफरेंट ड्रिफ्ट होने का आधार है जहाँ पर भी 2 हवाएं कन्वर्ज हो रही हैं, तो वो हवाओं के कन्वर्ज होने की पोजीशन चेंज होती रहती है। किसकी वजह से? अपर एयर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस की वजह से। इसकी वजह से आपके ब्रेक पीरियड्स आते हैं और रेनफॉल का इफेक्ट होता है। एक फैक्टर मैंने ITCZ से जुड़ा समझा दिया, एक फैक्टर मैंने थर्मल हीटिंग से जुड़ा समझा दिया, और इन दोनों में मुख्य ITCZ ही था। एक फैक्टर मैंने वेस्टर्ली से जुड़ा समझा दिया, एक थर्मल हीटिंग से जुड़ा समझा दिया, दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं ITCZ की पोजीशन की डिफरेंसेस को क्रिएट करने में। अब अगला फैक्टर क्या आता है, बहुत सारे और भी फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर इंपॉर्टेंट ये है कि ब्रेक पीरियड क्यों आ जाता है, ये डिपेंड करता है डिफरेंट रीजन्स, हर रीजन में डिफरेंट रीजन है उसकी वजह से ब्रेक पीरियड्स आते हैं। तो ये ब्रेक पीरियड का एक मेन कारण, अगर हम इंडिया के वेस्टर्न घाट पे देखें तो हमने देखा था कि जो फर्स्ट लेवल की स्ट्रीम्स आई हैं साउथ वेस्ट मानसून की, वो सीधा इस तरह से आकर के यहाँ की हाई माउंटेन पीक से टकराती हैं। दूसरी स्ट्रीम्स हमने देखा था कि पासेस से गुजर गई थी, लेकिन हमने देखा जो बाद में सक्सेसिव स्ट्रीम्स आ रही हैं वो इस लैंडमार्क से टकरा करके इनके साथ ही लग के ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो मतलब उस समय में ये वेस्टर्न घाट रीजन में वर्षा नहीं हो रही है। तो ड्यू टू द टोपोग्राफिकल बैरियर जो विंड्स हैं वो इस तरह से गुजरनी शुरू हो गई हैं, उन्हें ऑब्स्ट्रक्शन उस लेवल पे नहीं मिल रही कि अब वो ऊपर उठ करके कंडक्शन करें और वो रेनफॉल कराएं जिसे ओरोग्राफिक कहते हैं, और ये कहाँ से नर्मदा और तापी की घाटियों से अंदर घुसेंगी। तो कुल मिलाकर के ये पीरियड ड्यू टू द टोपोग्राफिकल ऑब्स्ट्रक्शन ये भी एक तरह का कहलाता है ब्रेक पीरियड। दूसरा हमने हिमालय के मामले में पढ़ा था कि हमने देखा था कि बे ऑफ बंगाल की ब्रांच जो है वो हिमालय से जा करके टकराती है। अब हिमालय से जा करके टकराने की वजह से, अब हिमालय से आप एक बार टकराए हैं और आपने यहाँ पर रेनफॉल किया है, एक बार जब आपने सीधा वर्टिकल टकराव किया तो रेनफॉल हुआ, उसके बाद आपकी पोजीशन चेंज हुई और हिमालय के एडजस्टमेंट चल रहे हैं, तो जितने पीरियड तक आप एडजस्टमेंट चल रहे हैं और आपको फिर से वही इंटेंसिटी अचीव करनी है जब आप फिर से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ही रीच करना चाहेंगे, उसके लिए आप फिर से टकराएंगे। एक बार टकराने से दूसरी बार टकराने के बीच का जो गैप रहता है ये भी एक तरह का ब्रेक पीरियड काउंट हो जाता है, क्योंकि आपको अपनी लॉस्ट स्ट्रेंथ फिर से गेन करनी होती है। तो इस तरह के कारण जिम्मेवार होते हैं अलग अलग समय पर ब्रेक आने के लिए, लेकिन ब्रेक्स तो आती हैं, एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। इतनी बात समझ में आई? और जैसे ही मानसून ऑनसेट हो जाता है तो फिर मानसून का उसी समय बस्ट हो जाता है, और मानसून बस्ट का कारण मैंने समझा दिया था आपको, वो पहले के लेक्चर में क्लियर हो गया, जब अन्नाई मुड़ाई में बहुत ही मूसलाधार वर्षा होती है या मानसून बस्ट या मानसून का ब्रेक होना कहलाता है। तो मानसून ब्रेक ये भी है, ब्रेक इन द मानसून एक अलग चीज़ है, मानसून ब्रेक एक कंसेप्ट है, बस्ट की जगह अल्टरनेटिवली कुछ बुक में मानसून ब्रेक वर्ड भी यूज़ किया गया है। ओके, ये बात, ये कंसेप्ट समझाना था। और कंसेप्ट क्या समझाना है समझिए, आपसे पूछा जा सकता है कि विंटर सीजन के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बाकी के ये रीजन इतने इंटेंसली कूल कैसे हो जाते हैं, इतने हार्श कूल वेदर कैसे आ जाता है, विंटर इतना इंटेंस कैसे हो जाता है।
इसका एक रीजन तो आप क्लियर कट मेंशन कर देते हैं, मैं सिर्फ डीमार्केशन का ही कंसेप्ट समझा रहा हूँ, एक रीजन तो आप ये मेंशन कर देते हैं कि साउथवर्ड माइग्रेशन ऑफ द सन हो चुका है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और यहाँ पर हाई इंसुलेशन रिसेप्शन नहीं हो रहा है। ये तो बाकी के इलाकों पर भी लाजमी है, गंगा के अदर एरियाज में भी ये चीज़ होती है, फिर यहीं पर इस तरह से इतनी कूल क्यों होता है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट और वैलिड रीजन यहाँ का ये है कि इसकी नियर बाई विसिडिटी में हिमालय के पर्वत हैं, और इन हिमालय के पर्वतों की वजह से ही यहाँ पर बर्फ़ बिछती है, और इन हिमालय के पर्वतों पर बिछी हुई बर्फ की वजह से वहाँ पर एक्सट्रीमली कूल टेम्परेचर होता है, जिसके पैमाने पर गंगा हरियाणा राजस्थान के रीजन में अभी भी टेम्परेचर उतना नहीं गिरा है, थोड़ा सा टेम्परेचर राइज है, जिसकी वजह से यहाँ पे अभी भी थोड़ा रिलेटिवली लो प्रेशर है एज़ कम्पेयर टू हिमालयन स्नो फॉल रीजन, जहाँ पर बहुत ही हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर है। तो हिमालयन स्नो बाउंड रीजन के हाई प्रेशर से पंजाब हरियाणा राजस्थान के लो प्रेशर रीजन की तरफ हवाएं बहनी शुरू होती हैं, और ये स्नोफॉल के बाद चलने वाली ठंडी हवाएं कहलाती हैं, जो इस रीजन को बहुत ठंडा करती है। अगला इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट यहाँ पर ये आ जाता है कि जब हम बात करते हैं पंजाब हरियाणा राजस्थान के इस रीजन की, तो जितना भी तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद अदर सेंट्रल एशियन रीजन, यहाँ से जो साइबेरियन कोल्ड एयर मासेस आते हैं, वो पर्टिकुलरली डिफरेंट डिफरेंट पासेस से, इस नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के पासेस से एंटर होकर के यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रॉस्ट एंड फॉग क्रिएट करते हैं, और फ्रॉस्ट एंड फॉग रिस्पॉन्सिबल होता है हाई कूलिंग इम्पैक्ट के लिए। इससे कूलिंग बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, उसके कई रीज़न हैं। आपकी अर्थ जो है उसे री रेडिएशन करने की आदत होती है, और री रेडिएशन करके ही वो अपनी हीट को निकालती है और कूल होने का प्रोसेस अपनाती है। तो कुल मुद्दे का मतलब यहाँ पर ये आ जाता है कि ये जो फॉग एंड फ्रॉस्ट क्रिएट होती है, फॉग एंड फ्रॉस्ट अर्थ की इस री रेडिएटिंग प्रोसेस को फास्ट करते हैं, जिसकी वजह से अर्थ काफ़ी कूल होनी शुरू हो जाती है इन पर्टिकुलर रीजन में, क्योंकि फ्रॉग का फ्रॉस्ट का इन चीज़ों का क्रिएट होने का एक आधार ही इन्वर्जन ऑफ द टेम्परेचर है, और वो तभी होता है जब पृथ्वी से ऊष्मा मिलती है, और एक यूनिक कंसेप्ट हो जाता है, ठंडी हवा जो है वो ऊपर हो जाती है, गर्म हवाएं जो हैं वो नीचे रह जाती हैं, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का कंसेप्ट जो फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाना। तो ये सेकेंड इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है फॉग का। दूसरा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, सन से आने वाली इंसुलेशन को भी ये रिसीव लोअर डाउन कर देता है, और अर्थ के सरफेस पे उस लेवल पर उस पर्टिकुलर स्पॉट पे इंसुलेशन रिसीव हो नहीं पा रही होती है, और अगर इंसुलेशन अर्थ को रिसीव नहीं हुई है तो वो उतनी हीट अप नहीं होगी, और अगर वो उतनी हीट अप हुई ही नहीं है, उसके कॉन्टैक्ट में आने के बाद एयर भी उतनी वार्म नहीं हो पाएगी, इस वजह से भी कूल हो जाता है एटमॉस्फेयर और ठंड बहुत ज़बरदस्त पड़ती है। अगला इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट यहाँ पर ये पाया जाता है कि ये फिनोमेना तो अदर एरियाज में भी हो सकते हैं, फिर यहीं पर इतना कूल क्लाइमेट क्यों है? तो उसका आधार ये है कि ये पर्टिकुलर रीजन बहुत दूर पड़ जाता है ओशियनिक लिमिट से, तो यहाँ पर एक स्टॉन्च कॉन्टिनेंटेलिटी देखने को मिलती है, ये बेहद दूर हो जाता है पर्टिकुलरली अरेबियन सी ब्रांच से, और रास्ते में बहुत एक्सेसिवली ड्राई रीजन गुजरात एंड राजस्थान का आ जाता है, जिसकी वजह से अगर कुछ इम्पैक्ट ओशियनिक होना भी है तो वो ब्रीजेज या अदर एस्पेक्ट रास्ते में ही लॉस्ट हो जाते हैं, कोई इम्पैक्ट उनका नहीं हो पाता है, क्योंकि पंजाब हरियाणा और नॉर्दर्न राजस्थान की पोजीशन वो ओशियनिक रीजन से समुद्रों से बहुत ही दूर पड़ जाती है। तो ये सब आधार हो जाते हैं इसके बहुत ही ज़बरदस्त ठंडे हो जाने का। अगला इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये पड़ता है कि आप जब बात करते हैं अक्टूबर नवंबर इन पर्टिकुलर मंथ्स की, तो पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब के इलाके में सितंबर अक्टूबर इस पर्टिकुलर आस्पेक्ट के दौरान आपकी फसलें कट चुकी होती हैं जो आपने लगाई होती हैं खरीफ सीज़न के दौरान। अब रबी की फसलें लगाने का मौका आता है, अब फसलें लगाने के लिए मैदान साफ किया होता है सितंबर अक्टूबर के महीनों में, आपने नई फसलें लगानी हैं, फसलें अभी उतनी ग्रो नहीं हो पा रही होती हैं, लैंड काफ़ी मिल जाता है आपको एयर को कूल होने के लिए, उसका सीधा सीधा डायरेक्ट इम्पैक्ट हो जाता है, और वो एयर कूल होकर के सराउंडिंग एटमॉस्फेयर को और भी ठंडा करने का काम करती हैं। फरवरी के बाद मार्च और अप्रैल के इन मंथ में पूरे के पूरे ग्राउंड्स कवर्ड होते हैं क्रॉप्स के साथ, तो इसी वजह से गर्मी भी बहुत तीव्रता से आनी शुरू हो जाती है। अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर यह है कि यही पंजाब हरियाणा और बाकी रीजन हैं जहाँ पर सर्दियों के दिनों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की मार होती है, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो मेडिटेरेनियन सी से आते हैं ये एक बार गुजरने के बाद कोल्ड स्क्वेल्स को गिराने का काम करते हैं, ठंडी हवाएं जो नॉर्मल से टेम्परेचर 5-8 डिग्री सेल्सियस डाउन कर देते हैं, और इनके बाद भी फ्रॉस्ट एंड फॉग बहुत एक्टिव हो जाती है। ऐसे मल्टीपल रीजंस हैं, कभी भी आ जाएं लॉजिक के दम पे यूज़ करना, कभी तुक्के से आंसर मत करना, इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगले कंसेप्ट की बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए
कि भारत में सबसे जबरदस्त और सबसे ज़्यादा फ्रॉस्ट कहाँ पर है। फ्रॉस्ट आप जानते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो फ्रॉस्ट की अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा पड़ने का काम, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि ओस सबसे ज़्यादा कहाँ है, ओस सबसे ज़्यादा कहाँ है, इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ओस पड़ने के लिए कंडीशन क्या रहेगी, ओस पड़ने का आधार रहेगा बहुत ही जल्दी सेचुरेशन पॉइंट को रीच कर जाना। जब भी आपकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी रिलेटिव एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के साथ मैच कर जाए, मतलब एयर की ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कितनी है, वो कितनी ह्यूमिडिटी को होल्ड कर सकती है, और एयर के पैकेट में एक्चुअली में ह्यूमिडिटी है कितनी, दोनों इक्वल आ जाती हैं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब 100% होती है कंडेंसेशन बिगिन हो जाती है। पृथ्वी पर कुछ भी होगा अगर आकाश से, तो वह कंडेंसेशन से ही होगा। कुछ भी कराना है तो कंडेंसेशन कराना पड़ेगा, वरना कुछ नहीं होगा। दूसरा प्रोसेस है, कुछ भी कराना है तो इवेपोरेशन होना होगा, तो इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन ही कुछ भी कराते हैं। तो इवेपोरेशन होने के बाद आपको महसूस और दिखता कुछ नहीं है, दिखने के लिए महसूस करने के लिए आपको कंडेंसेशन चाहिए। तो कंडेंसेशन ही इवेपोरेशन के प्रोसेस को आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में पेश करती है। अब वो फिर कुछ भी हो, फॉग हो जाए, फ्रॉस्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्लाउड हो जाए, रेन हो जाए, स्नोफॉल हो जाए, हेल स्टॉर्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, यू नीड कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन नहीं होगा जब तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं होगी, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं होगी जब तक ह्यूमिडिटी कैपेसिटी एंड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बराबर नहीं हो जाएंगे, सेचुरेशन नहीं रीच हो जाएगा। और सेचुरेशन कराने के दो तरीके होते हैं हमारे पास, या तो हम उस एयर पैकेट का वॉल्यूम ही कम कर दें तो उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी ही कम हो जाएगी, तो हमारे पास जितनी अवेलेबल ह्यूमिडिटी है एब्सोल्यूट उसी के दम पे हम 100% कर देंगे। और या दूसरा तरीका यह है कि हम उस पैकेट का टेम्परेचर ही कम कर दें, तो इस टेम्परेचर को कम करने की वजह से भी उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी, तो जो उसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी के बराबर आ जाएगी। 3 किलो ह्यूमिडिटी थी, 4 किलो ह्यूमिडिटी वो होल्ड कर सकती थी क्योंकि गर्म बड़ी थी, हमें ठंडी करती है वो भी 3 ही किलो ह्यूमिडिटी हैंडल कर सकती है, 3-3 किलो दोनों बराबर आ गए। और अगला तरीका यह है कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जो भी हो आप उसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ही बढ़ा दो, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बढ़ा दो, तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी 5 किलो है, हमने एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बढ़ा दी वो भी 5 किलो हो गई, 5-5 किलो हो गए, 100% हो गया और कंडेंसेशन हो जाएगा। तो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है उसकी दो खासियतें हैं। सबसे पहला खासियत उसकी ये है कि वो ओशियन के बहुत क्लोज है, यानी कि अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करें तो यहाँ पर हमें एटलस लगा लेना चाहिए आपकी बेहतरी के लिए, ठीक है। देखिए नॉर्थ ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट का रीजन एक तो बे ऑफ बंगाल से काफ़ी प्रॉक्सिमल है, तो काफ़ी क्लोज है, तो बे ऑफ बंगाल से क्लोज होने के इसको दो फायदे होते हैं। सबसे पहला आस्पेक्ट ये हो जाता है कि बे ऑफ बंगाल की साथ प्रॉक्सिमिटी की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर कभी भी एक्सट्रीम नहीं जा सकता, यानी कि बहुत हाई भी नहीं जा पाएगा और बहुत नीचे भी नहीं गिर पाएगा, ये इसकी खासियत रहती है, पहली खासियत। तो विंटर सीजन की अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर एरिया में टेम्परेचर एक बिल्कुल भी गिर नहीं पाएगा एज़ कम्पेयर टू अदर रीजन। तो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन की ये खासियत है कि टेम्परेचर एकदम से एक्सट्रीमली लो नहीं जाएगा, क्योंकि ओशियनिक इम्पैक्ट उसको किसी न किसी लेवल पर मॉडरेट रखने का काम करेगा। तो अब हमने कहा था कि टेम्परेचर कम कर दो तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी अचीव हो जाती है, बड़े अच्छे लोग हो आप लोग। तो एक शैतान बच्चा कहेगा सर अगर यही बात है तो 3 किलो उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है एयर पैकेट की, और हमारे पास हवा है सर पौवा, मैंने 500 ग्राम और 250 ग्राम, तो ऐसा ना कर दें कि टेम्परेचर की बत्ती बंद कर दें बिल्कुल और एयर पैकेट की कैपेसिटी आ जाएगी 250 ग्राम पे, और 250 ग्राम दोनों मिलकर के नीचे भी 250 ग्राम ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी 250 ग्राम, और दोनों मिल जाएंगे और फिर हो जाएगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी और करा देंगे कंडेंसेशन। अरे यार बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक बात तो हमेशा याद रखना, जैसे तुम्हारा माहौल नहीं बनता है 2-4 गिलास पिए बिना, वैसे हवा का माहौल नहीं बनता है जब तक कि उसके पास एक ठोस ह्यूमिडिटी ना हो। अब 100 ग्राम पे मत करा देना रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कोई बच्चा आके उन्मादी बच्चा कहे सर मेरा दिल ही नहीं लग रहा है, मैंने सुना है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी से हवा में जस्ट 10 ग्राम है, तो मैं ऐसा कर दूंगा मैं इतना टेम्परेचर कम कर दूंगा ना इसका कि 10-10 ग्राम ऊपर भी 10 ग्राम हो जाएगी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और 10 ग्राम इसकी, और मैं करा लूँगा कंडेंसेशन, तो करा लेना, आपके कान में तो जरूर ओस जमेगी लेकिन भारत की पृथ्वी पे नहीं जम सकती इतनी कम ह्यूमिडिटी से। पृथ्वी पे करा रहे हो बेटा, कुछ तो लेके आओ जेब में।
एकदम से ही एक्शन कर लेना चाहते हो, तो इसके लिए हम टेम्परेचर ही कम कम कर करके ही खाली कंडेंसेशन नहीं करा सकते, सोच के दायरे में रहना है बेटा। और इतनी भी कम हो जाएगी अगर हमारे पास इतनी ही ज़बरदस्त तरीके से अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली बहुत ही निचले स्तर पर ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 होने लग जाएगी, और बहुत ही निचले लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी लेवल पर ही इतनी सी कम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में भी अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 होने लग गई फिर नियोनी कंडेंसेशन है। आई बात समझ में? उसके लिए कुछ तो अनुमाद चाहिए हमारी जेब में। तो वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टेम्परेचर का लेवल बनाए रखने का काम कौन करता है? ओशियन। उसको पता है कि इस थैले को इतना का बड़ा रखना है कि इसमें इतनी की ह्यूमिडिटी होल्ड कर पाए, इसको इतनी की ऊर्जा देते रहो, इतने का टेम्परेचर देते रहो। क्लियर? अगला एस्पेक्ट, अब फिर बात हो गई कि अब हिमालय नॉर्थ ईस्ट रीजन कह रहा है यार तुमने टेम्परेचर भी डाउन नहीं जाने दे रहे हो पानी की वजह से, और अल्टीमेट एस्पेक्ट ये है कि जब तक तो मेरी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी ही डाउन नहीं हो रही तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मेरी उससे कैसे मैच करेगी? फिर टेम्परेचर तुम डाउन नहीं होने दे रहे जिसकी वजह से कि उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम होती तो मैं उसके बराबर आ जाता। तो एक फिर अब दूसरा तरीका बताओ, तो कहते तुम घबराओ मत, हम नॉर्थ ईस्ट रीजन है, हमारे यहाँ पर हिमालय में अत्यधिक बारिश होती है सबसे ज़्यादा, अगर पूरा हिमालय देखा जाए सबसे ज़्यादा हम वर्षा कराते हैं, तो हम तुम्हें कम नहीं करेंगे किसी मामले में, हम तुम्हें पानी दे देंगे, हम तुम्हें मॉइस्चर दे देंगे। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन भारत का हिमालय पर वर्षा इतनी अधिक होने की वजह से, पूरे के पूरे हिमालय की बात करें तो साउदर्न स्लोप पर रेनफॉल बहुत होता है, तो वेजिटेटिव रीजन है ये, हिमालय की नॉर्दर्न स्लोप्स बैरन रहती हैं, हिमालय की साउदर्न स्लोप जो है वेजिटेटिव रहती हैं। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो अपने आप में खास है कि आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से लेकर के टॉप तक जाते जाते माउंटेन क्लाइमेट भी देखने को मिल जाता है, सिर्फ आपको चढ़ाई चढ़ते जाना है। तो इसकी वजह से ड्यू टू हाई रेनफॉल जोन तो इवेपोरेशन भी है इस एरिया में, और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ड्यू टू हाई लेवल ऑफ वेजिटेशन इवेपोट्रांसपीरेशन भी बहुत है। इन सारे कारणों से आर्द्रता काफ़ी है, एटमोसफेयर में मॉइस्चर है, और मॉइस्चर की वजह से एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी वाला जो खाना था डब्बा था उसमें हम 2 किलो मॉइस्चर भर सकते हैं बड़ी इजीली। तो जैसे ही उसका 2 किलो मॉइस्चर की कमी पूरी हो जाएगी तो नीचे की साइड में अगर हम देखें डंडे के नीचे तो हमें कितनी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कितनी 5 किलो, हमारे पास हवा मॉइस्चर था कितना 3 किलो, हमने उसमें 2 किलो और डाल दिया तो 5-5 किलो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बराबर हो गया, और जितना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी चाहिए थी कंडेंसेशन के लिए है तो हमने वहाँ पे ओस डला दी। ओके, नॉर्थ ईस्ट का ये इलाका इसलिए इस चीज़ के लिए जाना जाता है, ये कभी नहीं भूलना। आगे चले, नेक्स्ट कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछ ले समर सीजन में पेनिनसुलर इंडिया में साउथर्न एरिया यानी कि 15 डिग्री से लेकर के 8 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में जो टेम्परेचर है वो एक लेवल से ज़्यादा सर्ज नहीं करता, तो कुल मिलाकर के अब आपसे क्वेश्चन ये आ जाएगा कि ये जो आपका पर्टिकुलर गंगा का मैदान है, इस गंगा के मैदान में गर्मियों में टेम्परेचर बहुत हाई सर्च कर जाता है, इसके क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं? तो इसका सबसे बड़ा पहला फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है लैटिट्यूड, और दूसरा इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इसका आ जाता है हिमालय की पोजिशनिंग। अपने गर्मियों के मौसम में ये जिस लैटिट्यूड पर है उस लैटिट्यूड पर होते हुए भी इसमें अपने उसी लैटिट्यूड के सराउंडिंग रीजन्स के कंपैरेटिवली टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, हिमालय बैरियर बनाता है सेंट्रल एशियन रीजन से कोल्ड मासेस को यहाँ तक पेनिट्रेट नहीं करना पड़ता। और दूसरा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि आपका टेम्परेचर ऑलवेज डिपेंड करता है कि आप इक्वेटर से किस डिस्टेंस पे हैं। अगर आप इक्वेटर से 15 और 20 या 23.5 डिग्री रीजन में फॉल कर रहे हैं तो लगभग इक्वेटोरियल और सब ट्रॉपिकल रीजन को महसूस कर रहे हैं, और इस पर्टिकुलर एरिया में सन ऑलवेज 2 टाइम पास होता है किसी भी एक जगह से, इसकी वजह से यहाँ पे कभी भी टेम्परेचर एक्सीड नहीं जाएगा, यानी कि आपको सारा साल एक गर्म माहौल मिलेगा लेकिन एक मॉडरेट इफेक्ट के साथ, मतलब 25 से 30 31 या 32 डिग्री के बीच में टेम्परेचर मिलता रहेगा। लेकिन जैसे ही हम 23.5 के अबव चले जाते हैं तो यहाँ पर आप लेटिट्यूड से इक्वेटर से दूर चले गए हैं और यहाँ पर एक जोन ऑफ डिसेंडिंग एयर आता है, 30 डिग्री लैटिट्यूड का प्रेशर बेल्ट जहाँ पर हवाएं डिसेंड कर रही हैं, और ये एरिया ड्राई वेदर का है क्योंकि डिसेंडिंग एयर ऑलवेज गर्म होती हैं, एक्सपेंड करेंगी, ह्यूमिडिटी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, सूखा माहौल बनाएंगी, तो सनशाइन बहुत ही क्लियर रहेगा। 0 से 23 डिग्री के बीच में तो वर्षा होती रही लेकिन 23 से अबव चले जाएंगे तो सनशाइन बहुत क्लियर रहेगा क्योंकि डिसेंडिंग एयर का जोन माना जाता है,
और इसकी वजह से यहाँ पर सन की जो इंसुलेशन रिसीव हो रही है डायरेक्ट ग्राउंड को रिसीव हो जाएगी, रास्ते में क्लाउड का बैरियर आएगा नहीं और अल्टीमेटली ये बहुत हॉट होता है। तो इस वजह से एक एस्पेक्ट आपका लैटिट्यूडनल है कि आप इक्वेटर से किस डिस्टेंस पे हैं, ये आपकी हॉटनेस और हीट को बताता है, समर सीजन के इंटेंसिटी को बताता है। और दूसरा एस्पेक्ट बताता है कि आप पर्टिकुलरली इस टाइम पर ओशियन बॉडी से कितने दूर हैं, आपका ओशियन से जो डिस्टेंस है वो आपकी कॉन्टिनेंटलिटी को दर्शाता है कि आप कितने गर्म होंगे। तो गंगा के मैदान की अगर हम बात करें तो गंगा के मैदान के भी वो रीजन एक्सट्रीम क्लाइमेट वेदर को, एक्सट्रीम समर को बेयर करते हैं जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी की दोनों ब्रांचेस से ही बहुत दूर हैं। इसीलिए दिल्ली जो है यहाँ पर काफ़ी एक्सट्रीम देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू पटना, और पटना में भी फिर ज़्यादा एक्सट्रीम देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू कोलकाता। हैं तीनों ही जगह हैं गंगा के मैदान में, और इन दोनों पे असर दोनों चीज़ों का हुआ है, लेटिट्यूड का जो कि इक्वेटर से डिस्टेंस, और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्रॉक्सिमिटी टू द सी, प्रॉक्सिमिटी टू द वाटर बॉडी। लेकिन एक स्टेटमेंट मैं आपको जारी कर देता हूँ कि साउथ इंडियन रीजन में 15 डिग्री लेटिट्यूड के नीचे ये प्रॉक्सिमिटी टू द सी एक्टिव काम कर रहा है, लेकिन लेटिट्यूडनल एक्सटेंट फ्रॉम द इक्वेटर काम उतना नहीं कर रहा। क्यों? जब आप समर सीजन की बात करेंगे तो समर सीजन के मौसम में, और ये भारत आपने बना रहे हैं, तो समर सीजन के मौसम में जितनी भी